पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। ये वाणी महामति प्राणनाथ की है। आध्यात्म, भावात्मक एकता और सर्व धर्म समन्वय के उदात्त विचारों से ओतप्रोत महामति की इन वाणियों का संग्रह जिस ग्रंथ में है उसका नाम है कुल जम स्वरूप। इसका संपादन ज्यों का त्यों उनके शिष्य केशवदास ने किया। पवित्र ग्रंथ कुलजम स्वरूप को प्रत्येक प्रणामी मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है और उपास्य ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है। इन मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं होती। जीवन मस्ताने ध्यान लगा, इल्म लुदन्नी यारों, कैसी मथी मथानी से अर्क निकाला इश्क गर्क का, लागी रूह दीवानी से दिल में दर्द गया सी सूरत मूरत मस्त ममानी। ये किसकी कथा का वर्णन कर रहे हैं जी, हमें भी कुछ बताइए महामति प्राणनाथ के बारे में। हाँ, उनके उपदेश किसके लिए हैं? उनका जीवन दर्शन तो समस्त मानवता के लिए है। उनके बारे में जितना कहा जाए सुना जाए कम है। हाँ, उनके भौतिक जीवन के बारे में जो पूछो वही बताऊं। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? महामति प्राणनाथ का जन्म सन 1618 में हुआ था, जामनगर के दीवान केशव ठाकुर के घर। उनकी माँ का नाम था धनबाई। बचपन से ही वो इस जगत के बारे में बड़े जिज्ञासु थे। ईश्वर और जगत को लेकर तरह तरह की शंकाएं थी उनके मन में। इन शंकाओं को किसने पूरा किया? गुरुदेव चंद्र जी ने। इस बारे में कुछ विस्तार से बताइए ना। तब उनका नाम था महराज ठाकुर। उनके बड़े भाई गोवर्धन ले गए थे उन्हें गुरुदेव के पास। गुरुदेव, ये मेरा छोटा भाई महराज है, आपके दर्शनों के लिए आया है। तू निर्मल आत्म धाम की श्री इंद्रावती उत्पन्न, हे महराज तुम परम धाम की आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा में परम धाम की सखी इंद्रावती का आवेश है। परम धाम की बहुत सी आत्माएं संसार की दुख सुखमय लीला को देखने के लिए अवतरित हुई हैं, लेकिन माया में अपने मूल स्वरूप को भूल चुकी हैं। उन्हें जगाना होगा। इस समय राजमूल में उत्पन्न दो महान आत्माएं हैं, शाकुंडल और शाकुमार। इन्हें खोजकर तुम्हें जगाना है। शास्त्र कुरान के ज्ञान से इनकी आत्माएं जागेंगी, तभी सारा संसार जागने के आलोक से आलोकित होगा। ऐसी जागी हुई आत्माएं सुंदर सात के नाम से लोक में विख्यात होंगी। जागृत आत्माएं दुख भरे संसार में सुख शीतलता प्रदान करेंगी। के विश्वासी पर गुरु पुत्र बे
हरी ने ओ बाल बाई ने ईर्ष्या की हुई मंत्रणा मेहराज को अरब देश तब भिजवाया वहां अमीर से मस्जिद में मिलने का अवसर अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मलंता अना मेहराज अना मुस्तगीज या अमीर वलकिन ने कहा मिन नफ्से बलेदीना नाम या अमीर अना हिंदी हिंदुस्तानी होकर भी इतनी साफ और शुस्तार भी बोलता है लेकिन उस गुस्ताखी का सबब 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 या अमीर सिर्फ आपकी तवज्जो का तालिब हूं वो इसलिए अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो रोज़े हश्र जिस दिन सबके आमाल का हिसाब होना है इसी तरह खुदा के हुजूर में आपका दामन पकड़कर फरियाद करूंगा। अच्छा ठीक है, आप चलकर मेहमान खाने में बैठिए, हम अभी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया मेहराज, हम आपकी अरबी से बहुत मुतासिर हुए। ये तो आपकी जरा नवाजी है, असल में मैंने कुरान पाक पढ़ने के लिए ही अरबी सीखी थी या अमीर। यानी कि तिलावत कुरान, और आप कुरान शरीफ पढ़ने के लिए आपने अरबी सीखी? भाई वाह, फिर तो आपके बारे में हम सब कुछ जानना चाहेंगे। बताने के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा है ही नहीं या अमीर। मैं हिंदुस्तान की एक रियासत जामनगर के दीवान का बेटा हूं। मैं सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का शिष्य हूं। अपने गुरु के आदेश पर मैंने पवित्र कुरान, इंजील और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है। तब तो इन मौजूदात पर आपसे गुफ्तगु करके हमें निहायत खुशी होगी। पहले आप मेहराज कहिए हुजूर, मेहराज। हाँ तो जनाब मेहराज, पहले ये बताएं कि आपकी शिकायत क्या है। या अमीर, मेरे एक रिश्तेदार खेता भाई आज से 30 साल पहले यहां आकर बस गए थे। दिन रात खून पसीना एक करके उन्होंने अपने व्यापार को इतना फैला लिया जिसको समेटने के लिए मुझे यहां आना पड़ा। फिर क्या हुआ? हुजूर, हमारा काम यहां पूरा होने को ही था कि अचानक खेता भाई का इंतकाल हो गया। तब आपके कारिंदों ने उनकी सारी जायदाद को लावारिस करार देते हुए जब्त कर लिया। क्या खेता भाई के कोई औलाद या बीवी नहीं है? नहीं अली जनाब, उन्होंने शादी नहीं की थी। यहां बसरा में वो अकेले ही रह रहे थे। उनके सभी वारिस हिंदुस्तान में हैं। जिबलिशर, हमारे अहलकार ने कानून के मुताबिक सही किया है, लेकिन महाराज हमारे मजहब इस्लाम ने हर इंसान के साथ पूरा इंसाफ करने का हुक्म दिया है। हम खेता भाई की सारी दौलत बहाल करते हैं। नौशिजान। शुक्रिया। अच्छा तो आपने सारे मजहबों को समझा है,
तो फिर ये बताइए कि बुनियादी तौर पर मजहब में फर्क कहाँ है, क्यों है और क्या है? मेरे गुरु ने मुझे यही बताया है और मैं खुद भी पढ़ने और सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसी भी धर्म में बुनियादी फर्क तो है ही नहीं। इस्लाम एक अल्लाह की बात करता है, वैदिक भागवत धर्म की धारणा भी यही है, वो भी एक ही ईश्वर की बात करता है। हाँ, ये तो है। अली जनाब, इस बात को एक और मिसाल से भी समझा जा सकता है। कुरान मजीद और इंजील मुकद्दस में वर्णित नूह और वैदिक भागवत धर्म के जल प्रलय वाले मनु दोनों एक ही हैं। अलग अलग भाषाओं के कारण इसके नाम और उच्चारण में अंतर आ गया है। भविष्य पुराण में मनु को नूह कहा गया है। तूफान नूह यानी उस जल प्रलय का बयान कुरान शरीफ में भी आया है, वही ईसाई धर्म में भी मौजूद है और वही वैदिक धर्म में भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, मरहबा। तो मेराज ये भी बताइए कि खुदा तक पहुंचने और उसे समझने का आसान तरीका क्या है? पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। वाह वाह, हमारे कारिंदों ने खेता भाई की जितनी भी जायदाद जब्त की है उसकी नकद कीमत कल मगरिब की नमाज से पहले आपको वापस मिल जाएगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि आप कुछ दिन और बसरा में कयाम कीजिए, हम इतनी जल्दी आपको हिंदुस्तान नहीं वापस जाने देंगे। शुक्रिया हुजूर, अब आपका हुक्म है तो मैं कुछ दिन बसरा में और रुक जाता हूँ। तब तक खेता भाई का जो काम यहाँ बाकी पड़ा है मैं उसे भी निपटा लूंगा। जरूर जरूर, अब इजाजत दीजिए। चला था जो बातों का ये सिलसिला, अमीर से खोया हुआ धन मिला, मगर खेल किस्मत ने खेला, तभी लगी आग घर में सभी कुछ जला। नमस्कार। हाँ? नमस्कार मुंशी जी, नमस्कार। आप इतने परेशान क्यों हैं हुजूर? अमीर इतने मेहरबान हैं आप पर कि उनसे दोबारा मांगे तो शायद वे सारा धन आपको दोबारा दे देंगे। नहीं मुंशी जी, नहीं, ये उचित नहीं होगा। अब मैं आपसे क्या कहूं, सब कुछ लुट गया, कुछ नकदी और आभूषण को छोड़कर सब कुछ स्वाहा हो गया। खेता भाई का मुंशी जी, सब कुछ स्वाहा हो गया। जनाब, खुदा का शुक्र है आपकी जान तो बच गई। और जो खाक हो गया, अरे पैसा तो हाथ का मैल होता है मुंशी जी, लेकिन अगर ये सब मेरा अपना होता तो मुझे इस बात का रत्ती भर भी अफसोस नहीं होता। पर मेरे पास ये किसी की अमानत थी, मेरे भाई खेता भाई की अमानत थी मेरे पास मुंशी जी। इसे कहते हैं अमानत में खयानत, समझे बिहारी जी? ताज्जुब है, धन आते ही आग लग गई। वही तो, हम तो खुद समझ नहीं पाए। अब आप आए हैं बसरा खोज खबर लेने हिंदुस्तान से, तो शायद असलियत सामने आ जाए। आप खुद चलकर मालूम कर लीजिएगा। हाँ आओ श्याम जी, महाराज के पास चलते हैं। सरकार, हिंदुस्तान से खेता भाई के भतीजे श्याम जी और गुरु देवचंद्र के बेटे बिहारी जी पधारे हैं। अच्छा, अरे बिहारी जी, श्याम जी, नमस्कार। आइए आइए, आप दोनों का बसरा में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। जी वो
खेता भाई के परम धाम पधारने के समाचार सुनकर गुरुदेव ने हमें आपकी सहायता के लिए भेजा है। अरे पहले आप दोनों बैठिए तो सही, तशरीफ रखिए। सुनने में आया था खेता भाई की संपत्ति को लेकर तुम्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब समस्या की तो ऐसी कोई बात नहीं थी बिहारी जी, अलबत्ता एक विपदा ऐसी आन पड़ी कि लगभग सब कुछ समाप्त ही हो गया। विपदा अर्थात? ये जला हुआ घर नहीं देख रहे हैं आप लोग? ऐसी आग लगी बिहारी जी श्याम जी की, सब कुछ जल के सुहा हो गया। कुछ नकदी, कुछ आभूषण, बस यही बाकी बचे हैं। आप दोनों बैठिए, मैं अभी लेकर आता हूं। मुझे तो कुछ दाल में काला दिखाई दे रहा है, और ये आग वाली बात तो कहीं महराज ने खेता भाई की संपत्ति हड़प जाने के लिए आग का ये नाटक तो नहीं रचाया है क्या? वैसे एक बात कहूं? बोलो बोलो। जरा ठंडे दिमाग से सुनिएगा और जो कहूंगा उस पर गौर करिएगा। कुछ बोलो तो सही। आप मैं एक बात कहूं सरकार, बीच में बोलने के लिए माफ कीजिए। इस महराज ने बसरा में बहुत इज्जत कमा ली है और नाम भी। खेता भाई की मदद से, वरना कौन पहचानेगा इसे? अरे वो बात छोड़िए, मुझे तो कुछ और शक होता है। जरा सोचिए, खुद आपके पिता श्री गुरुदेव जी का झुकाव महराज की तरफ कुछ ज्यादा है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। कहीं सदगुरु जी प्रसन्न होकर सुंदर सात संप्रदाय की गद्दी महराज को न सौंप दे। मुमकिन है, हो सकता है। इसकी काट हमें अभी से सोचनी पड़ेगी। यह है खेता भाई का बचा हुआ धन और आभूषण, और यह है उनका हिसाब किताब। क्यों श्याम जी? जी हमें शीघ्र ही भारत लौटना है। जी हाँ। ठीक है, आप दोनों भारत चलें, मुझे खेता भाई की संपत्ति का बाकी का काम अभी यहां निपटाना है। और वैसे भी यहां के अमीर ने मुझे कुछ दिन और रुकने को कहा है, इसलिए मैं तो कुछ दिन यहां और रुकूंगा। ठीक है, तुम रुक जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। हम लोग कल भारत लौट जाएंगे। क्यों श्याम जी? जी मुंशी जी हमारे साथ चलेंगे। आप लोग भारत पहुंचकर खेता भाई जी की बहन बाल भाई को ये धन और आभूषण दे दीजिएगा। ये क्या है बिहारी जी? ये महराज ने भेजा है। बसरा में मेरे भाई खेता ने बस इतना ही धन कमाया? मैं जामनगर के राजा के यहां फरियाद करूंगी। या अमीर, मेरा मन कहता है कि हिंदुस्तान में मेरे खिलाफ कोई साजिश की जा रही है, इसलिए अब मेरा हिंदुस्तान वापस लौटना निहायत ही जरूरी है। तब तो हम आपको नहीं रोकेंगे। इसे मंजूर कीजिए। यह दीनार नहीं, दौलत नहीं, बल्कि अकीदत है। इस मुल्क को आप अपना ही मुल्क समझिए, और जब भी हिंदुस्तान से दिल चाहे यहां आने के लिए बसरा आइए और हमारे साथ रहिए। या अमीर, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा, एहसान मंद रहूंगा। हुजूर, 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 ये सब सच है, मैं गवाह हूं। इतने महान गुरु का विश्वास पात्र शिष्य भी ऐसा कर सकता है? हुजूर, विश्वास नहीं होता। दुहाई हो महाराज, महाराज ने मेरे भाई, मेरे परिवार और हम सब के साथ विश्वासघात किया है। उसे बसरा इसलिए भेजा गया था कि वो मेरे भाई की अपनी सारी संपत्ति समेटने में और भारत आने में सहायता करे, उसे यहाँ ले आए। किंतु उसके देहांत के बाद उसकी नीयत में खोट आ गया और अग्निकांड का नाटक रचाकर
उसने मेरे भाई की सारी संपत्ति हड़प कर ली महाराज। मुंशी जी, बिहारी जी और श्याम जी इस बात के गवाह हैं। बसरा जाकर ये खुद सारी खबर लाए हैं और मुंशी जी तो चश्मदीद गवाह हैं महाराज। मंत्री जी, जैसे ही महाराज जामनगर आए उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। महाराज, परम धाम की बहुत सी आत्माएं माया में अपने मूल स्वरूप को भूल चुकी हैं, उन्हें जगाना होगा। मगर गुरुदेव, मैं तो यहां इस कारागार में कैद हूं। प्रणाम मां। जीते रहो बेटा, कैसे हो? आपकी और सदगुरु दोनों की कृपा से ठीक हूं। लेकिन आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? इन दो महीनों में हम तो पहले भी दो बार यहां आ चुके हैं। अच्छा, लेकिन मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। हो तो इसका अर्थ यह हुआ मुझे यहां दो माह बीत चुके हैं। महाराज, तुम्हारे एक शुभ संदेश है। मेरे लिए? और शुभ संदेश? हाँ, राजाज्ञा से तुम्हें कारागार से मुक्त किया जाता है। तुम ये जानना नहीं चाहते कि तुम्हें आजाद क्यों किया गया है? मंत्री जी, मुझे जब बंदी बनाया गया मैंने तो तब भी नहीं पूछा था कि मुझे बंदी क्यों बनाया जा रहा है। मैं बताती हूँ बेटा, ये सब बिहारी का करा धरा है। उसने तुम पर ये आरोप लगाया था कि तुम खेता भाई की सारी संपत्ति हड़प कर जाना चाहते हो, इसलिए तुमने बसरा के मकान में आग लग जाने का नाटक रचा था। बाद में पता चला कि श्याम जी को अपने व्यवहार पर बहुत दुख था, उन्होंने ही आपको समस्त आरोपों से मुक्त कराया है। बिहारी के षड्यंत्र का सदगुरु देवचंद्र जी को तो कुछ मालूम ही नहीं है। आपको ठीक लगे तो उनसे मिलकर आपको सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं, मैं उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं समझता। मां, चलो। दरबार का हरकारा है, यह पत्र लेकर आया है। लिखा है कि आप राज्य का दीवान बनना स्वीकार करें। दीवान बनना? घरोल राज्य का दीवान बनना? अच्छा, देखें। ये सब सदगुरु जी की कृपा है। पर इस बीच तो गुरु जी ने आपको कभी याद नहीं किया। आप पर विपत्ति आई तब भी तो उनकी कृपा आप पर नहीं थी। नहीं, गुरु कृपा तो हमेशा रहती है, चाहे वो दृश्यगत हो या अदृश्य। यदि गुरुजी चाहते हैं कि मैं घरोल राज्य के दीवान के पद को स्वीकार करूं तो मैं इसे अवश्य स्वीकार करूंगा। अरे बिहारी जी, आप? नमस्कार। नमस्कार, सब कुशल तो है? हाँ ठीक है, पर पिताजी थोड़े से अस्वस्थ हैं। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, वे अस्वस्थ हैं? चिंता की कोई बात नहीं है, हो सके तो उनके इलाज के लिए थोड़ी सी अंबर कस्तूरी भिजवा दीजिए। अभी भिजवाता हूँ बिहारी जी, अभी भिजवाता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। ना, ना ना ना, आपके वहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी देखभाल के लिए हम हैं, बाल भाई हैं, नाग जी हैं, वो शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। नमस्कार। नमस्कार बिहारी।
श्री महाराज मेरे लिए कहता था कि यदि मेरे मुंह में करोड़ जिह्वा हो तो मैं गुरुदेव का यशोगान करना चाहूंगा। उसी प्रकार आज मैं भी करोड़ों जिह्वाओं से श्री महाराज से बात करना चाहता हूँ। श्री महाराज की वासना इंद्रावती प्रवेश में मुझे रोक रही है। जब तक वे यहाँ नहीं आएंगे मैं परम धाम प्रवेश नहीं कर सकता। मैं आ गया गुरुदेव, मैं आ गया गुरुदेव। इसके लिए श्री राज का बहुत बहुत धन्यवाद, पर बार बार बुलाने पर भी तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? बार बार बुलाया मुझे आपने प्रभु, किंतु मुझे तो आपका सिर्फ एक ही संदेशा मिला। इससे पहले आपका कोई भी संदेशा मुझे किसी ने नहीं दिया प्रभु। मेरी आत्मा तो खुद आपके दर्शनों के लिए कब से तड़प रही थी। मेरे और समीप आओ गुरुदेव। आ क्या गुरुदेव? मैं कुछ बातें केवल तुमसे करना चाहता हूँ। आ क्या दीजिए गुरुदेव। तुम्हें देखे बिना मैं ये संसार नहीं छोड़ सकता था। मेरे वचन ध्यान से सुनो। अब तुम लौकिक काम के लिए वापस नहीं जाओगे। मैं सुंदर साथ तुम्हें सौंप रहा हूं। संसार में जागनी का काम तुम्हारे द्वारा होना है। अब ये सारा दायित्व तुम संभालोगे महाराज। गुरुदेव संभवतः ये अन्याय होगा, कृपा करके आप ये सेवा बिहारी जी को सौंपिए। ये आपके पुत्र भी हैं और अधिकारी भी। ये मैं जानता हूं महाराज, पर मैं ये भी जानता हूं कि ये सेवा बिहारी से नहीं, ये सेवा तुम्हीं से होगी। तुम कुछ दिन एकांत में मेरे साथ रहो, मैं अपनी सारी आध्यात्मिक संपदा तुम्हें सौंपना चाहता हूं। चोआ क्या गुरुदेव? आज से तुम सब सुंदर साथ इन्हें इंद्रावती या इनमें मुझे विद्यमान मानो। आज से इनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी मत करना। ये तथा मैं अद्वैत हैं। इन्हें और मुझे जो दो अलग अलग मानेगा वो परम धाम की आत्मा नहीं होगा।
क्यों, क्या बात है वत्स बिहारी? बाल भाई, आज आपने जन्म तथा देह के संबंध को तोड़कर मेराज को जागनी का सारा काम सौंप दिया है, यह आपने उचित नहीं किया पिताश्री। जगत की परंपरा है, पिता के धन को पुत्र ही प्राप्त करता है। इस रूप में मैं ही आपका उत्तराधिकारी हूं। मेरे विचार से बिहारी जी ठीक ही कह रहे हैं गुरुवर। तुम मेहराज का विरोध करना चाहते हो बिहारी, किंतु जिसकी आत्मा में परम धाम का अंकुर है वो किसी का विरोध नहीं करता। धर्म अविरोधी होता है। तुम्हें प्रमाण देना चाहिए बिहारी कि तुम्हारी आत्मा अविरोधी है, परम धाम की है। यदि बिहारी जी की आत्मा परम धाम की नहीं होती तो वे आपके पुत्र नहीं होते गुरुवर। रत्न की खान से ही रत्न निकलता है। जिस प्रकार मल्यागिरी के साथ के सारे वृक्ष चंदन बन जाते हैं, उसी प्रकार आपका पुत्र होने के नाते बिहारी जी की आत्मा परम धाम की ही होगी। क्षमा करें, किंतु गुरुवर, महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके आपने उचित नहीं किया। बाल भाई, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें भी आत्मदृष्टि का अभाव है। ये सत्य है कि मलयगिरी के समीप सारे वृक्ष चंदन बन जाते हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं मलयगिरी नहीं बन सकते। जिस प्रकार लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, किंतु वो स्वयं पारस नहीं बन सकता, इसी प्रकार पुत्र भी वही बने जो पिता है, ये जरूरी नहीं। अगर ऐसा होता बाल भाई, तो पृथ्वी पर जितने अवतार हुए हैं उन सब के पुत्र भी अवतार होते। तुम देह दृष्टि त्याग कर आत्मदृष्टि से देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। गुरु, तो मैं उन्हें बुलवाऊं? उनकी आत्मा की भी परख होनी चाहिए, संभवतः वो आपके तर्क को आत्मसात कर लें। श्री महाराज जी, आप जाकर बिहारी जी को बुला लाइए। प्रणाम बिहारी जी, आप चलिए, गुरुदेव ने आपको बुलाया है। ठीक है, चलता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी तीन शर्तें माननी होंगी। तुम्हें मेरे कहने पर चलना होगा। दूसरी, गुरु गद्दी मुझे सौंपनी होगी। और तीसरी, मेरी आत्मा का नाम तुम्हें और सबको रत्नबाई स्वीकार करना होगा। बोलो, क्या बोलते हो? मुझे आपकी शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं है बिहारी जी, कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो गुरुदेव के आदेशानुसार सुंदर साथ और संसार को जगाना है। आप अपने पिता की सेवा में उपस्थित हों, मैं आपको तीनों शर्तों को मानने का वचन देता हूं। चलिए बिहारी जी, चलिए। ठीक है, चलो। Thank you.
द्वितीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि तुभ्यम समर्पयामि तुभ्यम समर्पयामि। गुरुदेव, 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 लेकिन तुम्हें मेरी तीन शर्तें माननी होंगी। तुम्हें मेरे कहने पर चलना होगा। दूसरी, गुरु गद्दी मुझे सौंपनी होगी। और तीसरी, मेरी आत्मा का नाम तुम्हें और सबको रत्नबाई स्वीकार करना होगा। और बहनों, सुंदर साथ के साथियों, गुरुवर ने यह दायित्व मुझे सौंपा है कि मैं इस संप्रदाय को चलाऊं। देवो दुनिया बावरी खोवत जन। अरे चलो चलो, महाराज जी भजन गा रहे हैं, वही चलते हैं। चलो चले, चलो चले। अरे रुको, ये तो बहुत ही चिंता की बात है। जब भी बिहारी जी गुरु के रूप में कुछ चर्चा करते हैं, कोई भी सुंदर साथ ध्यान से नहीं सुनता, किंतु जब महाराज भजन गाते हैं या चर्चा करते हैं तो सारे रस निमग्न हो जाते हैं। बहन, उनकी ये लोकप्रियता बिहारी जी की गद्दी के लिए खतरा हो सकती है। इसीलिए भाई, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि महाराज को धर्म चर्चा का अवसर ही ना मिल सके। कोई ऐसा उपाय किया जाए कि महाराज को धर्म चर्चा का अवसर ही ना मिले। जामनगर के राजा मेरी बात मानते हैं और महाराज के पिता के देहांत के बाद जामनगर के दीवान की कुर्सी खाली पड़ी है। फिर क्यों ना महाराज को जामनगर का दीवान बना दिया जाए। जामनगर के दीवान का पद स्वीकार कर क्यों आपने अपने ऊपर अतिरिक्त बोझ डाल लिया है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है फूलवती? कितने व्यस्त रहते हैं आप। इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद है कि सब ठीक चल रहा है। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे दीवान खाने जाना है। कितने महान हैं मेरे स्वामी, राजकार्य में व्यस्त रहने पर भी अपने आध्यात्मिक विकास और जागने के काम में भी कभी किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ने देते। मोहे निकारियो साथ से। कौन है भीरू?
लक्कड़ आ रहा है, महाराज जी की शरण में आया है। ये वही दीन दुखियारा है जिसे बिहारी जी ने सुंदर साथ से निकाल दिया है। इसका कसूर यही था कि ये दोनों समय गुरु मंदिर में आने में असमर्थ था। हाँ, मैं वही अभागा हूँ, 7 दिन से उपवास के मंदिर के द्वार पर पड़ा था, परंतु गुरु बिहारी जी के मन पसीजा ही नहीं, और बिना सुंदर साथ मेरे लिए ये जीवन व्यर्थ है। मैं महाराज जी की शरण में आया हूँ, यदि उनका कृपा हो जाए तो शायद। भीरू, इन्हें सादर मैदाने में ठहराओ, राजबाई से कहो कि रसोई जगाए, अतिथि को ससमान भोजन कराओ। जब तक ये अनजल नहीं ग्रहण करेंगे, घर का कोई प्राणी भी अनजल छुएगा नहीं। मुझसे क्या अपराध हुआ है मान्यवर? हमने जिसे सुंदर साथ से निकाला, उसे आपके घर सम्मानित करके हमें अपमानित किया गया है। मेरे घर? किसका? किसने सम्मान किया? हमसे चालाकी मत बरतो महाराज। मुझे सचमुच कुछ नहीं मालूम। तो सुनो, ये अक्षम्य अपराध तुम्हारी पत्नी फूलवती ने किया है, और इस अपराध की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। सजा? या क्या कह रहे हैं बिहारी जी? इतने नादान मत बनो महाराज, ये सुंदर साथ और गुरु का आदेश है। या तो मंदिर और धर्म को ग्रहण करो, या पत्नी और परिवार को। के राखो अर्धां को, के राखो धनी धाम। राखें ना हम स्त्री का, राखें धनी श्री धाम। छोड़ियो कुटुंब परिवार को, हमसे ना ही काम। आप धर्म का वरण कीजिए स्वामी, मैं आपके मार्ग की बाधा नहीं बनूंगी। आपका निर्णय मुझे स्वीकार है। मैं तो चाहिया
सुख लागे